तो उत्तराखंड हमारे, जैसा कि आप सबको पता है कि पर्यटन के लिए जाना जाता है, और आज की जो हमारी यात्रा है वो भी पर्यटन से रिलेटेड है। हम बधाणी ताल की यात्रा पे हैं। मैंने शुरुआत में परिचय दिया था कि हमारे साथ दो और शख्सियत हैं जो यूट्यूब पर हैं, लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक बार परिचय करा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं, इस तरफ से हमारे साथ हैं देव प्रकाश अग्रवाल सर हैं, गुप्तकाशी से हैं आप, और आप भी एक यूट्यूब चैनल का संचालन कर रहे हैं, तस्वीरों में पहाड़ और बेहद खूबसूरती से आप पहाड़ों को दिखा रहे हैं। और जो लोग पहली बार, यदि आप मेरे माध्यम से उनका नाम सुन रहे हैं, तस्वीरों में पहाड़ चैनल को सुन रहे हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए उनको चैनल को, और आपको प्रकृति का एक ऐसा नज़ारा, उत्तराखंड को देखने का आपका एक अलग सा अनुभव रहेगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार अग्रवाल जी, जो हमारी यात्रा है और उसके साथ अभी बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे इस यात्रा के से रिलेटेड। उसके साथ ही हमारे साथ हमारे बड़े भाई हैं, रावत जी हैं, और रावत जी भी इस समय एक यूट्यूब चैनल का संचालन कर रहे हैं, नमस्ते उत्तराखंड नाम ब्लॉग। और आप भी सर, आपका जो कंटेंट होता है वो भी पहाड़ से रिलेटेड होता है, और निरंतर आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने बीच में बात की कि सर दिल्ली की यात्रा पर थे और दिल्ली भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया है, तो दोनों को शुभकामनाएं। और हम सीख रहे हैं, दोनों ही हमारे अग्रज हैं, प्रोफेशन में भी अग्रज हैं, उम्र में भी अग्रज हैं, हम दोनों से सीख रहे हैं और कोशिश रहेगी कि निरंतर सीखते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अग्रवाल सर बताएं इस बधाणी ताल के बारे में और क्या अनुभव, आप तो पहले भी आ चुके सर। हाँ, मैं पहले भी आ चुका। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल और मैं एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तस्वीरों में पहाड़। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से आपको पहाड़ की वो सारी खूबसूरती को दिखाऊँ। आज हम आए हैं बधाणी ताल। वैसे तो मैं बधाणी ताल पहले भी आया था और उस टाइम थोड़ा समय कम था, एक ही दिन में हमने अप डाउन कर दिया था, और गुप्तकाशी से यहाँ तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो उस दिन काफ़ी लेट हो गई थी। तो आज हमने बहुत अच्छी तरह से शूट करने की कोशिश की है। मेरे पीछे जो आप ये पूरी ताल देख रहे हैं, ये आधा किलोमीटर के लगभग ताल है, और इस ताल की मान्यता है कि जो पुराने लोगों द्वारा कहानी सुनी जाती है, यानी कि जो बधाणी गांव के लोगों के द्वारा कहानी सुनी जाती है, माना जाता है कि जो भगवान श्री त्रिजुबीनारायण हैं, यानी कि जो सोनप्याग से ऊपर जो भगवान श्री त्रिजुबीनारायण का मंदिर है, वहां से ये पानी आता है, और यहां पे जितनी भी मछलियां हैं उनको देवतुल्य रूप में पूजा जाता है, और उनको खाया नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है, उनको भगवान के तुल्य पूजा जाता है। तो आप तालाब में देखेंगे असंख्य मछलियां हैं जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो उत्तराखंड में अगर मैं आप रुद्रप्रयाग के इर्द गिर्द हैं, यानी कि रुद्रप्रयाग के नज़दीक हैं, तो बधाणी ताल जरूर आइए, और ऐसी अलौकिक जगह आपको उत्तराखंड देवभूमि में ही देखने को मिलती हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा भी यहाँ पे इन मछलियों को काफ़ी संरक्षक के रूप में रखा गया है। और इसी ताल के नीचे एक दूसरा ताल है, वहाँ पे गैठाना नाम से प्रसिद्ध है वो, तो वहाँ पे छोटा भगवान नारायण का मंदिर भी बनाया गया है। और इस यात्रा को पूरा करने के बाद हम अगला जो हमारा वीडियो होगा तो उसी की तरफ का होगा। बिल्कुल, अग्रवाल जी ने पूरी डिटेल दे दी है, और इस डिटेल में शायद आपका जो संशय रहा होगा किस लिए बधाणी ताल जाना जाता है, मछलियों की किस तरह से विशेषताएं हैं, क्यों उनका संरक्षण किया जाता है, तो आपने अग्रवाल सर के माध्यम से, तस्वीरों में पहाड़ के माध्यम से ये बात आपको स्पष्ट हो ही रही होगी, और त्रिजुबी नारायण और बधाणी ताल का क्या कनेक्शन है वो भी आपको पता चल गया होगा। इसके साथ ही हमारे साथ, जैसे मैंने परिचय कराया है, रावत जी हमारे साथ हैं, नमस्ते उत्तराखंड। तो सर रावत जी बहुत बहुत स्वागत है, और आप इस समय हमारे तीनों के ही उसमें ये जाएगा, तो आप है, और किस तरह का अनुभव आपका रहा है अब तक की इस यात्रा में? तो पहली बात तो ये है, अग्रवाल जी ने मतलब जो तस्वीरों में पहाड़ है उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो हम कहीं ना कहीं हम तीनों का मकसद वही होगा कि मतलब जितनी भी खूबसूरती हमारे उत्तराखंड की है वो सबको मतलब एक यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने लाना। और जो ये मैं बधाणी ताल आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ये पहले भी आ चुके थे, तो इन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि मतलब वहाँ चलना चाहिए, और भाई साहब भी कुलदीप सिंह रोहतान जी भी पहली बार आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद ये है कि जितने भी है हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारी उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें, ताकि हमारे जो उत्तराखंड में है ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, यही हमारा प्रयास रहता है, एक छोटा सा प्रयास है। अभी हम बिगिनर हैं, देखते हैं आप लोगों का प्यार, इसी तरह का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, तो धीरे धीरे हम
और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप हम तीनों के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चाहे आप कुलदीप सिंह रोथान जी के चैनल को देख रहे हैं या चाहे तस्वीरों में पहाड़ को देख रहे हैं, तो उन्हें भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरा जो पर्सनली यूट्यूब चैनल है नमस्ते उत्तराखंड ब्लॉग, जो कि मैंने अपने उत्तराखंड के नाम पे ही रखा है, तो अगर उसको भी आप विजिट करते हो तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से रिलेटेड ही कॉन्टेंट बनाते हैं। और ज़्यादातर देखा होगा कि इनके साथ तो दूसरी मुलाकात है, लेकिन इनके साथ ये हमारे घर के ज़्यादा करीब होने से इनका आना जाना तिलवाड़ा टू श्रीनगर लगा रहता है, तो इनसे ज़्यादा मुलाकात होती रहती है। और भाई साहब से ये मेरी सेकंड मुलाकात है, और बाकी तो भाई फ़ोन पे वैसे तो बातें बहुत होती रहती है, और मैं प्रॉपर इनको मतलब बहुत फॉलो करता हूँ। भले उम्र में ये मेरे से बहुत छोटे हैं और ये भी बहुत छोटे हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ उम्र में, लेकिन मतलब होता है कि सीखने की कोई वो नहीं होते, इनके कंटेंट में अच्छा दम है, तो मैं ये नहीं है मैं इनसे बड़ा हूँ तो ये मुझे क्या सिखाएंगे। इन्होंने मुझे बहुत कुछ इन लोगों से सीखने को मिलता है, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार है तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोगों इसी उम्मीद के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह का प्यार और आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारे साथ है, और आज हमारा ये कोलैब एक तरह का हो सकता है कि तीनों एक यूट्यूबर हम कह सकते हैं। और जैसे कि रावत जी ने कहा कि बिगनर हैं, और बिगनर ही ऊपर जाते हैं और लगातार शुरुआत कर रहे हैं हम। और अग्रवाल जी का जिक्र किया है रावत जी ने, तो हम दोनों को इतना तो मैं ये कहूँगा कि शुरुआत जब हम जिस जगह पे हम खड़े थे, जहाँ पे हम स्टॉप कर दिया था, तो अग्रवाल जी ने हम दोनों को मोटिवेट किया है, और जहाँ आज हम हैं, जिस स्थिति में हम हैं और आपसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो अग्रवाल जी का ही उसमें हाथ है। एक छोटी सी बात करके इस वीडियो का समापन करूंगा। बधाणी ताल को फिर से एक बार आप सबको फिर से बता दूं, हम बधाणी ताल में हैं। रूट जो है वो रूट है रुद्रप्रयाग से आप तिलवाड़ा आएं, तिलवाड़ा से आपको पुल की तरफ टिहरी की तरफ आना पड़ेगा, टिहरी रोड पर आना पड़ेगा, और वहां से लगभग 49 या 50 किलोमीटर ये दूर है। मयाली तक की जो रोड है वो बहुत अच्छी रोड है, लेकिन उसके बाद की रोड की आप कल्पना नहीं कर सकते, शायद उत्तराखंड की सबसे घटिया रोडों में से एक रोड है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक जो ये सुंदरता है, ये लोगों तक तभी पहुंचेगी जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करने की जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी जो जिम्मेदारी है, उनको अपनी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस रोड को बधाणी ताल, जो शायद इतने ब्रॉड तरीके से अभी तक लोगों के बीच में नहीं गया है, यदि ट्रांसपोर्टेशन सही होगा या होता तो जरूर यहाँ लोग आते हैं, हालांकि आते हैं दूर दूर से लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बधाणी ताल की यात्रा पे लाए थे, और हमारे साथ जैसे कि अग्रवाल सर ने कहा कि अभी हम एक छोटे से इसके एक इसका एक सब्स्टिट्यूट ताल है जो कि गेठाणा में है, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो हम सीधे वहीं पे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।